وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وأهل بيته الأصفياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا جد له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيقنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين وقال تعالى في موضع آخر الدين النصيحة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس کو بے شمار اخبارات سے مزین فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے اور صبح قیامت تک انسانوں کو زندگی گزارنے کا ضابطہ اور کامیابی کا ہر راز اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے. ہم معاشرے کے اندر ایک جماعت بناتے ہیں, ایک مشن اور کاز کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے مشن اور کام کو کاز کو لے کر چلتے ہیں. ان میں سے ایک کو ہم بڑا بناتے ہیں اور باقی اس کے ماتحت اس کے حکم کی پیروی میں اس مشن کو اور اس کاز کو لے کر چلتے ہیں.
ये जो बड़ा होता है इसको अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार होता है, और उसकी वजह, उसका काज और मिशन जो है उसके ऊपर चलना होता है। इस वजह से वो हर जगह, हर मकाम पे, हर चौराहे पे, हर मीटिंग में, हर दफ्तर में, हर इजलास में, सही हो या गलत हो, अपने लोगों का दिफा करता है। दिफा अपने मिशन और अपने काज की वजह से करता है। इस तरह आप बात समझेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों ने एक जमात बनाई, वो जमात कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि इस्लाम की दावत की सूरत में एक जमात की बुनियाद रखी और अपना नाम रखा तबलीगी जमात, और अपना काम बताया कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और उनको अल्लाह के दर पे झुकने का कहते हैं और उनका अल्लाह से ताल्लुक़ बनाते हैं। इस बात के ऊपर वो जमा हुए और उन्होंने कोशिश शुरू की कि चलो पहले लोगों से अल्लाह की राह के अंदर 3 दिन मांगो, 3 दिन के बाद 40 दिन, फिर 4 महीना, फिर 1 साल। क्या करना है जी? अल्लाह के दीन की तरफ दावत देनी है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, दीन से दूर हैं, दीन बेजार हैं, उन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना है। अब किसी मस्जिद के अंदर इस काम के करने वाले किसी तबलीगी के ऊपर भी कोई हर्फ आता है और उनकी शिकायत जो है जाकर मरकज़ में कोई पहुंचाता है कि भाई आपकी जमात के जो तबलीगी साथी हैं वो हमारी मस्जिद के अंदर ये परेशानियां पैदा कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो वो फिर इस बात को सुनते हैं और फिर वो एक और हिकमत का तरीका बताते हैं और वो अपने शख्स को अपने से दूर नहीं करते, उसका दिफा करते हैं। इसके पीछे एक वजह है और वो वजह ये है कि ये हमारे काम से जुड़ा हुआ है, हम जो काम कर रहे हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको धिक्कार देंगे, अपने से दूर कर देंगे, ये जो काम, जो मिशन लेकर हम चलें, इस मिशन के अंदर खराबी पैदा हो जाएगी, लोगों में दूरी आ जाएगी। हम कोई सख्त एक्शन नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते हैं, बल्कि हिकमत से, प्यार से, तदब्बुर से उसको समझाते हैं और बर्दाश्त का कहते हैं कि भाई बर्दाश्त करके काम करो। वो अपने लोगों को बचाता है और उसकी हर गलती का दिफा करता है, और उसकी वजह ये होती है कि ये उसके काज और उसके मिशन के साथ, उसकी जमात के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको लेकर और इसकी इस गलती को बयान करना शुरू कर देंगे, ये गलती ख़त्म नहीं होगी, लोग और हमसे दीन बेजार होते जाएंगे, हमसे दूर होते जाएंगे। लिहाजा ज़रूरी है अपने बंदे की सरजनिश करने के साथ साथ, उसको इस चीज़ से रोकने के साथ साथ उसके ऊपर हाथ भी रखा जाता है, अपना काम जारी रखना है। और ये तरीका है। एक सियासी जमात वजूद में आती है, वो अपना जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने रखते हैं, हम आपको आटा, बिजली, गैस घर में पहुंचाएंगे, हमारा मकसद ये है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, हमारा मकसद ये है कि हम घर घर इंसाफ पहुंचाएंगे, अदल के तकाज़ों को पूरा करेंगे, इस बुनियाद पे हम खड़े हुए हैं और हम चंद नौजवान हैं, 8-10 लोग हैं और हम इस मिशन को लेकर खड़े हुए हैं। तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, हम झेल लेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वो सफ़र करते हैं, एक दिन आता है वो इख्तदार में पहुंच जाते हैं, हुकूमत उनके हाथ में आ जाती है, ये सारी बातें वो भूल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी जमात का हर वक्त, अपने जमात के हर फर्द का, उसकी हर गलती का
दिफा कर रहे होते हैं, पूछा जाए कि आप क्यों दिफा कर रहे हैं, वो तो गलत है भाई, गलत है लेकिन है तो मेरी जमात का, और दिफा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम भी इसकी तरह उसकी मुखालिफ हो गए और वो हमसे हट गया, दूर हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो फिर हम अपनी जमात के अंदर जो है उसकी गलतियां लोगों में बताने वाले हो गए। ये हर आदमी अपनी जमात का दिफा करता है, अपने लोगों का दिफा करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में एक ही जमात पैदा की है जिसका अल्लाह ने खुद दिफा किया है। किसी का दिफा इमरान खान कर ले वो बड़ा अजमत वाला है, इस वजह से कि ओहदा उसके पास है, वजीर आजम उसका दिफा कर रहा है। किसी का दिफा सुप्रीम कोर्ट का जज कर दे तो उसके लिए बड़ी वाह वाह है। किसी का दिफा कोई ओहदेदार कर दे तो उसकी बड़ी वाह वाह है। किसी का दिफा कोई इलाके का सरबरा कर दे तो उसकी बड़ी वाह वाह है, उसका बड़ा नाम है, लोग उसके नाम को याद करते हैं कि यार इतना अजीम आदमी है, इसके लिए फ़लाँ ने अच्छे अल्फाज कहे, इतना बड़ा आदमी है, इसके दिफा में तो चीफ जस्टिस आ गया, इतना अजीम आदमी है, इसके दिफा के अंदर तो अमरीका उठ गया, इतना अजीम आदमी है, इसको पूरी दुनिया जानती है, इतना अजीम आदमी है, हर कोई इसके दिफा के अंदर है, वो कितना अजीम है जिसको तू जानता है, लेकिन आज तुझे अजमत बताऊं उसकी कि जिसके दिफा के अंदर कोई इंसान नहीं आया है, कोई सरदार नहीं आया है, कोई अफसर नहीं आया है, कोई चीफ जस्टिस नहीं आया है, कोई वजीर आजम और गवर्नर नहीं आया है, अगर उसके दिफा के अंदर आया है तो अल्लाह का कुरान आया है, वो कितना अजीम आदमी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक ही जमात, एक ही तबका है जिसके लिए कहा कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इसका तर्जुमा बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे आम लोग करते हैं, गलत करते हैं, कहते हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, वो आपस में एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये इस एतबार से उनको शामिल तो किया जा सकता है कि ये उनके रास्ते पर हैं, इस एतबार से तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन नहव के एतबार से, लुगत के एतबार से, माना के एतबार से अगर देखा जाए तो इसका ये माना नहीं है। कुरान में यही लिखा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, आप जब तर्जमा देखते हैं उसमें ये तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन आप पढ़ते गलत हैं, वो तुम बेहतरीन उम्मत हो नहीं है, तुम बेहतरीन ने उम्मत हो। जिस तरीके से अब्दुल्ला अरबी का नाम है, अब्दुल्ला माना है अल्लाह का बंदा, इसी तरीके से खैरा उम्मतिन है, ये भी मुजाफ मुजाफिले है, तो मुजाफिले का तर्जमा पहले होता है खैरा उम्मतिन, उम्मत के बेहतरीन तुम हो, कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन ने उम्मत हो, यानी उम्मत के जितने लोग भी क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे उन तमाम में जिनको अल्लाह बेहतरीन ने उम्मत कह रहा है वो तुम हो, वो सहाबा है। कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया, तुम्हारा काम क्या है, तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म करते हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकते हो, तुमिनून बिल्लाह, इस बात के साथ कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, इस बात के साथ कुन तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखा है, इस आयत के ज़ेल में उन्होंने लिखा है के असबतल्लाहु लहुमुल खियरा अला साइरिल उमम। अस्सवाइकुल मुहरिका सफ़ा 208 और 9 पर इब्ने हजर मक्की फरमाते हैं असबतल्लाहु लहुम, अल्लाह ताला ने उन सहाबा के लिए साबित किया अल खियरा फजीलत को, अल खियरा माना फजीलत, अफजल होना, किस पर साबित किया, अला साइरिल उमम, आने वाली जितनी उम्मत है उस पूरी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा-ए-किराम की फजीलत को साबित किया इस आयत के अंदर।
आप देखते हैं कि एक खबर है, एक अमर है। अमर कहते हैं हुक्म को। अल्लाह ताला जब किसी चीज का हुक्म देते हैं, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, ये हुक्म है। और एक खबर है, अल्लाह बताते हैं कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये खबर है। अब ये खबर किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं ये खबर सहाबा के लिए है, सहाबा किराम में उनके लिए है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए हैं। उस वक़्त के लोगों में उनके लिए ये खबर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये खबर दे रहा है, अस्बतल्लाहु लहुम अल-खियरा, अल्लाह ताला उनकी फजीलत को अला सायरिल उमम, तमाम उम्मत के ऊपर बता रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये खबर दी है और अल्लाह की खबर है कि सहाबा पूरी उम्मत में बेहतरीन हैं, उन सहाबा में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, मुआविया भी हैं, अबू सुफियान भी हैं, 144,000 सहाबा हैं, चाहे पहले ईमान लाए चाहे बाद में ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले और बाद वालों के लिए बताया, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, चाहे पहले ईमान लाया फिर भी जन्नती है, बाद में ईमान लाया फिर भी जन्नती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के अंदर बताया है कुन तुम खैर उम्मतिन, के मेरे उम्मत, आने वाली उम्मत, तुम इस बात को याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इस खबर से आगाह कर रहा है और बता रहा है कि जितनी उम्मत इनके बाद आएगी वो सारी की सारी उम्मत पर अगर अल्लाह ने किसी को फजीलत दी है तो वो सहाबाए किराम है। सहाबाए किराम, कुन तुम खैर उम्मतिन, कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन ने उम्मत हो, उम्मत में सबसे बेहतरीन तुम हो। तर्जमा बेहतरीन उम्मत नहीं है, तर्जमा बेहतरीन ने उम्मत है। अगर कोई कहता है तुम बेहतरीन उम्मत है तो आप मुखातिब उस वक्त के नहीं है जब कुरान उतर रहा है, तो मुखातिबीन अव्वल जो है वो सहाबाए किराम है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उम्मतिन फरमाया, बेहतरीन उम्मत हो। और कोई इस बेहतरीन उम्मत में तब दाखिल होगा जब वो तुम्हारी राह पर चले। तुम्हारी राह क्या है? तुम्हारी राह ये है तअमुरून बिल मारूफ, तुम अच्छाई का हुक्म करते हो, अच्छाई का हुक्म करते हो। देखो अच्छाई का हुक्म, हुक्म के अंदर इज्ज़ नहीं है। जब अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा है अकीमुस्सला, तो अल्लाह ताला इज्ज़ से नहीं कहेगा, हुक्म में इज्ज़ तो होता ही नहीं है। जब मुल्क के आईन के अंदर एक कानून, एक मुसव्वदा बनाकर उसको पास किया जाता है और उसको बयान किया जाता है कि कोरोना की वजह से कोई भी घर से नहीं निकलेगा, जो निकलेगा उसको उठाया जाएगा, तो गवर्नमेंट हाथ नहीं जोड़ती है, हुक्म देती है, पास करके उसको निकाल देती है। जब वो मंजर आम पे आता है फिर खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा दी जाती है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है और बता रहा है कि तुम क्या हो, तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो। नेकी का हुक्म का है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इनके लिए किस चीज़ को पसंद किया, हाकमियत को पसंद किया है। हाकमियत, भाई मैं इमरान खान को हुक्म दे सकता हूँ, नहीं दे सकता, लेकिन इमरान खान मुझे दे सकता है, तो मुझे ऐसा बनना है कि मैं इमरान खान को हुक्म दूँ कि नमाज पढ़, मैं इमरान खान को हुक्म दूँ ये बेहयाई ख़त्म कर, मैं इमरान खान को हुक्म दूँ कि ये जितने फसादात शुरू किए हैं, खिलाफ शरा काम किए हैं, इनको ख़त्म कर। ये कब होगा? हुक्म देने के लिए बताया तामुरून बिल मारूफ, कि तुम नेकी का हुक्म करते हो। और जब हुक्म किया जाता है तो हुक्म के अंदर इज्ज नहीं है। छोटा बड़े को हुक्म नहीं करता, सीट वाला मातहत को हुक्म करता है। तो इसके लिए बताया कि तुमने जिस काज को, जिस मिशन को शुरू करना है, वो मिशन कम से कम तो इतना होना चाहिए कि जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं तुम उनको जब नेकी का हुक्म करो तो तुम उस हुक्म पर उनसे सख्ती कर सको, तुम उस हुक्म पर उनको आमादा कर सको, तुम उस हुक्म को उनके ऊपर लागू कर सको और उनसे अमल करवा सको। वतन हाउ नानिल मुनकर, और बुराई से रोकना है, बुराई से रोकना है। कैसे? कि फरमाया और तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो।
अच्छा बुराई से रोकना कैसे है कि पहले तो तुम बता देते हो एक कानून पास करके, जब कुरान और सुन्नत है तो किसी कानून को पास करने की ज़रूरत है ही नहीं, यही कानून है, यही ज़ाबता है। जब यही ज़ाबता है तो आपने बयान करना है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन, ए नबी कह दीजिए आप अपनी बेटियों से, अपनी घरवालियों से और मुसलमान मोमिन औरतों से वो पर्दा करें। हुक्म नबी का नहीं है, हुक्म अल्लाह का है, नबी बताने वाले हैं। और फिर जिसने इसको संभाला है वो अमल करवाने वाला है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। इस्लाम के साए में, इस्लाम के ज़ेरे साया ज़िंदगी अगर बसर करनी है तो इस कुरान वाले के हुक्म के मुताबिक करनी है। अगर नहीं करनी है तो इस्लाम का दावा नहीं होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, ये दावा नहीं होना चाहिए, बात कहीं और जाएगी। बहरहाल तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते हैं जब तक उस मकाम तक नहीं पहुंचते जहां हुक्म को नाफिज किया जाए, उस पर अमल करवाया जाए। उस वक्त तक उन लोगों का साथ देते हैं जो इस काम में जुटे हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं। और ये सारा काम क्यों करते हैं? तुमिनून बिल्ला, ये तो अल्लाह पर ईमान लाए हुए हैं, ये जिनके ईमान लाने को अल्लाह बता रहा है। मैं और आप तो उस वक्त थे ही नहीं जब नुज़ूल कुरान हो रहा है, मैं और आप तो उस वक्त थे ही नहीं, उस वक्त तो वो ही थे जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए थे, जिनके ईमान की गवाही को खबर बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में उतारा है। आज अगर सहाबा के माबैन किसी किस्म की भी अदावत को कोई निकाल कर और लोगों को दीन से दूर करने की नापाक जिसारत करता है और ऐसा काम करने की कोशिश करता है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हकीकत के अंदर जिसका वो इनकार कर रहा है वो अल्लाह की खबर है, और जो अल्लाह की खबर का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो सहाबा के ईमान की खबर का बताने वाला खुद खुदा है, खुद अल्लाह है, खुद परवरदिगार है। और सहाबा में 144,000 सहाबा, वो सारे के सारे अल्लाह के इस ऐलान के अंदर दाखिल हैं। वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ताला ने उन सब के साथ जन्नत का वादा किया है। उन्हीं सहाबा किराम में एक सहाबी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के अकरबा में से भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के हमजुल्फ भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के बिरादर निस्बती भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के करीब भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम की मदा सराई करने वाले भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम पर जी जान से कुर्बान भी हैं, जो आप अलैहिस्सलाम के लिए पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और तौहीद के परचम को लहराने वाले भी हैं, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के दीन को लेकर अफ्रीका के जंगलों तक, अफ्रीका के समंदरों तक और इंताकिया तक जिसने इस्लाम को पहुंचाया है, आप अलैहिस्सलाम के दीन को लेकर जिसने पूरी दुनिया के कुफर के साथ टकराकर और पूरे दुनिया के कुफर को घुटनों पे लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम तौहीद बुलंद करके दिखाया है, आपकी उम्मत का वो फख्र, आप अलैहिस्सलाम का वो काबिल कदर सहाबी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु है कि जिसने रसूलुल्लाह के पैगाम को लेकर फितनों के दौर के अंदर, उस इख्तिलाफात के दौर के अंदर, उस मुश्किल तरीन वक़्त के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को न सिर्फ पहुंचाया है बल्कि कुफर को घुटनों पे भी लाया है। वो अमीर मुआविया के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसको जन्नत की बिशारत देता हूं। किसको? आपने फरमाया जो मेरी उम्मत में सबसे पहले बहरी जंग, बहरी बेड़ा जो है वो बनाएगा, सबसे पहले इस उम्मत के अंदर बहरी बेड़ा जिसने बनाया है वो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु।
और उस बेड़े पर सबसे पहले बहरी जंग जिसने लड़ी है और जिसके लिए जन्नत की बिशारत है वो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला है। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला कोई छोटी हस्ती नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। अगर किसी को भी मकाम मिला है, किसी को भी फजीलत मिली है, उसके खानदान से, उसके नसब से नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का खानदान बहुत बड़ा हो, अगर रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाते तो अबू बकर सिद्दीक कभी ना बनते। खानदान बहुत बड़ा हो, हजरत उमर फारूक आजम कभी ना बनते अगर रसूलुल्लाह के सहाबी ना होते। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का खानदान बहुत बड़ा है, ईमान ना लाते कभी भी उनकी ये फजीलत ना होती, कभी भी उनका मकाम व मर्तबा ना होता। उनके वालिद ईमान नहीं लाए, उनका तो वो मकाम नहीं है, लेकिन हजरत अली जिस मकाम पर पहुंचे हैं उस मकाम की बुनियाद सहाबियत है। बुनियाद क्या है? सहाबियत है। रसूलुल्लाह का सहाबी होना यह बड़े फजीलत की बात है। क्यों? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी मैं और आप नहीं हो सकते, और यह कस्बी चीज नहीं है। कस्बी कहते हैं मेहनत से हासिल हो जाए, ऐसी चीज नहीं है। कस्बी चीज नहीं है कि हम मेहनत करके इस मकाम को पहुंच जाए, नहीं। मकाम सहाबियत अताई है। क्या है अताई? मतलब दी गई है। किसकी तरफ से? जोर से, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से दी गई है। मकाम सहाबियत अता है मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से अता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको चाहे उसको सहाबी बनाया है, और अल्लाह ने नहीं चाह तो नहीं बनाया है, चाहा है तो बनाया है, नहीं चाह तो नहीं बनाया। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला की बात मुझे याद आ गई। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला ने हिदायत अपने हाथ में रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बिलाल ऐसा क्यों कहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, हिदायत अल्लाह के हाथ में न होती, किसी और के पास होती तो वो अपने ख़ानदान को, अपने कबीले को हिदायत देता, इस्लाम में दाखिल करता, आपकी ग़ुलामी में लाता। अल्लाह ने हिदायत अपने हाथ में रखी तो हबशे का काला बिलाल जो है उसका भी नंबर आ गया, वो भी आपके कदमों में आ गया। ये तो उस अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हिदायत को अपने हाथ के अंदर रखा है कि मेरा नंबर भी आ गया और मुझे भी ये हिदायत नसीब हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा काबिल कदर हैं और इस उम्मत के लिए ईमान का मायार है। ईमान का मायार कोई मौलवी, कोई शेखुल हदीस नहीं है, ईमान का मायार सहाबा किराम है। और कोई भी अपनी इल्मियत की बुनियाद पर किसी को इस्लाम की तबलीग करने का हकदार तब ही हो सकता है जब अव्वलुल मुस्लिमीन सहाबा किराम की गुलामी को इख्तियार करे। अगर इस गुलामी को इख्तियार नहीं कर सकता और सहाबा किराम का दिफा नहीं, सहाबा का दिफा क्यों होगा? कोई किस वजह से करेगा? इस्लाम की वजह से करेगा। इस्लाम की वजह से करेगा, क्यों? कि सारा इस्लाम पहुंचाने वाले सहाबा किराम हैं। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला, क्योंकि रजब का महीना है, इस मुनासबत से कि 22 रजबुल मुरज्जब को सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला का यौम वफात है, और सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला वो सहाबी हैं कि जिनके नाकिदीन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नाकिदीन है, उन पर तनकीद करने वाले। और तनकीद का हासिल सिर्फ ये है कि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला का हज़रत अली रजी अल्लाह तआला से इख्तिलाफ जो हो गया था, इस इख्तिलाफ की बुनियाद पे वो मुआविया रजी अल्लाह तआला पर तनकीद करते हैं और उसकी राहों को खोल कर और इसमें ऐसी रंगीनियाँ आमेजिश करके अपने जो अहदाफ हैं, नापाक अहदाफ जो हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि मुआविया और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला की जो भी इख्तलाफात हुए, वो इख्तलाफात की हकीकत यह है
कि ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कभी आपके ख़िलाफ़ कुछ कहा, कभी आपके ईमान के बारे में कहा, ना हज़रत मुआविया ने कहा। उन दोनों के लिए अगर किसी चीज कोई चीज़ माफोक थी, बुलंद बाला थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और पैगाम था। बस इसी बुनियाद पर इख्तिलाफ भी था, इसी बुनियाद पर एक दूसरे की इज्जत और एहतराम भी था। इतना सा मसला था, हजरत उस्मान शहीद कर दिए गए, और जो शहीद करने वाले खारजी थे वो खारजियों ने मदीने में मदीने के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ था, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला के हाथ पे बैत कर ली और बैत करवा दी दीगर साहबा से ज़बरदस्ती, और फिर उनको खलीफा नामजद कर दिया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को जब ये ख़बर पहुँची कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला खलीफा नामजद कर दिए गए और हज़रत उस्मान के कातिल जो हैं वो अभी तक मदीने में हैं और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास हैं, उनके साथ हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने बैत से इनकार किया इस वजह से कि जब तक उस्मान के कातिलों को सजाए मौत आप नहीं दे देते हम आपकी बैत नहीं करेंगे। ये एक मसला था इज्तिहादी तौर पर, वो भी सहाबी ये भी सहाबी दोनों सहाबी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते थे कि हज़रत उस्मान गनी ने अपनी जो कुर्बानी पेश की है वो इसी वजह से पेश की कि वो फरमाते थे कि मैं मदीने के अंदर खून रेजी नहीं होने दे सकता, मैं मदीने में खून खराबा नहीं चाहता, इस वजह से वो शहीद कर दिए गए। अब अगर मैं वही काम करूं तो ये इतने ज़्यादा आए हुए हैं बलवाई बहुत ज़्यादा हैं तो मदीने में खून रेजी हो जाएगी। हज़रत उस्मान भी ये चाहते थे कि खून रेजी ना हो, मुझे शहीद कर दिया जाए लेकिन किसी का खून नबी के शहर के अंदर न बहा जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो है अभी वक्त का और मौके का इंतज़ार कर रहे थे। बस इस इंतज़ार करने पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को इख्तिलाफ़ था और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इसी को बयान किया, नहजुल बलागा में इसी को बयान किया, और हज़रत अली ने फरमाया वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन। जब देखा कुछ लोग मुआविया की मजम्मत में कुछ बात कर रहे हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ कुछ बकवास कर रहे हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जब ये सुना तो आपने उस वक़्त एक खुतबा दिया, आपने फरमाया वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन, वज़ाहिरु ये बात ज़ाहिर है, अन्ना तहकीक रब्बना वाहिदुन, हमारा और मुआविया का रब एक है, व नबीना वाहिदुन नबी भी एक है, व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन और जो जिस कलमे को पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुआ जाता है वो मेरा और मुआविया का एक है, ला यस्तजीदुहुम फिल ईमान, ईमान में वो हमसे ज़्यादा नहीं है, व तस्दीक भी रसूल ही और ना रसूलुल्लाह की तस्दीक में वो हमसे ज़्यादा है, वला नस्तजीदूनना और ना जो है वला यस्तजीदूनना ना हम उनसे ज़्यादा हैं ना वो हमसे ज़्यादा हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि आपकी जंग हुई आप लड़े क्यों, तो आपने फरमाया इस मसले को हल किया, आपने फरमाया इन मख्तलफना मुआविया हमसे इख्तिलाफ करता है फी दम उस्मान उस्मान के खून के किसास के मामले में, और अल्लाह जानता है मैं किसास तो लूँगा हालात की वजह से ठहरा हुआ हूँ, व नहनु मिनहुल बरा मैं इस बात से बरी हूँ कि मैंने उसके कातिलों को पनाह दी है, मुआविया को गलत फहमी है मैंने पनाह नहीं दी, मैं सिर्फ वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस इतनी बात में इख्तिलाफ था और इस इख्तिलाफ को बढ़ा चढ़ा के कहाँ तक जो है तारीख की गिलासतों को लेकर गए हैं, और आम आवाम जो इस्लाम से दूर थे उन कुरान और सुन्नत से दूर थे तारीख की गंदगी उनके जहनों के अंदर ऐसे डाल दी ऐसे डाल दी ऐसे डाल दी कि आज हर आदमी कहने लगा कि शायद ये ऐसे ही थे। तो जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर तान हो तशनी हो तो उस वक़्त मुसलमानों में ज़रूरी है उलमा के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी अवाम और अपनी रियाया के सामने इन हकायक़ को बयान करें ताकि कोई इन बातों को सुनकर सहाबा किराम पर तान करके अपने ईमान को न खो बैठे, कहीं अल्लाह ताला की खबर के अंदर शक ना करे
जो खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये खबर अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अगर कोई इस खबर के अंदर शक डालता है और पैदा करता है तो वो इस खबर में शक नहीं कर रहा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में शक कर रहा है, अल्लाह के बयान में शक कर रहा है, अल्लाह की खबर में शक कर रहा है। और जो अल्लाह की खबर में शक करे वो मुसलमान नहीं रहता है, वो ईमानदार मोमिन नहीं रहता है। तो याद रखें कि मुआविया रजी अल्लाह तआला ये सहाबा किराम के जो आपसी मामलात थे, इसीलिए जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला की शहादत की खबर दिमश्क में शाम में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के पास पहुंची तो आपने सैयदना अली रजी अल्लाह तआला के साथी हजरत सदाई, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बहुत करीब थे रहमतुल्लाह अलैह, उनसे कहा अली की औसाफ़ को बयान करो। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ से बाज़ रखें। हज़रत मुआविया ने कहा नहीं रख सकता, बयान करो। और फिर वो बयान करना शुरू हुए और हज़रत अली की मदह में उन्होंने क्या क्या जुमले कहे, और हज़रत मुआविया कहते थे बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, जैसा तुम कह रहे हो वाकई अली ऐसा था। और जब आप ये सुन रहे थे तो हज़रत मुआविया रो 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 के आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और आपकी बीवी ने जब आपसे पूछा कि आपका तो हज़रत अली से इख्तिलाफ़ भी था, फिर आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया तुम्हें नहीं पता आज फ़िक़ह का बहुत बड़ा बाब बंद हो चुका है, आज दीन का एक बहुत बड़ा बाब बंद हो गया है, हज़रत अली के जाने ने मुझे बड़ा गमज़दा कर दिया है, बड़ा गमगीन कर दिया है। ये उनके आपसी मोहब्बत के मामलात हैं। हज़रत अली का खुतबा सुन लिया आपने, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का सुन लें। हज़रत अली के लिए रोना, क्या सहाबा आपस में शीर व शकर हैं, आपस में एक हैं। लेकिन याद रखो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर जिस तरह से भी तान व तशनी की गई और जिस तरह से भी आपको मुख्तलिफी ठहराया गया, बाज़ लोगों को कुरान से ज़्यादा तारीख़ पसंद है, और ये वो लानती तबका है जिनको कुरान के मुकाबले में तारीख़ पसंद है। कुरान एक बात कह रहा है, उसके मुकाबले में तारीख एक बात कह रही है। देखें कुरान की खबर अल्लाह की खबर है, तारीख की खबर मेरे और आप जैसे इंसान की खबर है। तारीख की खबर क्या बता रही है कि ये आपस में बहुत सख्त थे, तारीख की खबर है। अल्लाह की खबर बता रही है वकुल्लम वाद अल्लाहुल हुस्ना, सारे जन्नती हैं। हज़रत अल्लामा खालिद महमूद साहब PhD लंदन रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, मकाम सहाबियत बयान करते हुए उनके पास एक शख्स ने सवाल किया। आपने कहा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आप क्या कहते हैं, तो आपने फरमाया वो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, वो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। तो उस शख्स ने कहा उन्होंने तो हज़रत अली से जंग की, तो अल्लामा साहब ने फरमाया है फिर भी सहाबी है फिर भी। उनका उन्होंने तो जंग जमल जंग सफीन में हिस्सा लिया, हज़रत अली के मुकाबले में आए, तो अल्लामा साहब ने कहा है फिर भी सहाबी है फिर भी सहाबी। आओ हज़रत मुआविया ने ये कर दिया वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया, है फिर भी है फिर भी सहाबी। भाई ये जो फजीलत है ये सहाबियत की है, ये जो मकाम है सहाबियत का है। जो मामलात हुए मुझे बताओ क्या अल्लाह ताला को नहीं था पता कि ये होगा? तो जो कुछ अल्लाह ने बयान किया है तो अल्लाह ताला के इल्म पर लिखा गया ना, कुरान मजीद अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक उतरा है ना, तो अल्लाह को पता है ये मामलात होंगे। और अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी है, तवज्जो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी और आप अलैहिस्सलाम ने हल भी किया। आपने हज़रत हसन आए उठाया गोद में बिठाया, आप खुतबा दे रहे थे और आपने फरमाया इन अबनी हादा सैयदुन, मेरा ये बेटा मेरी उम्मत का सरदार है। बुखारी में है हदीस, मेरा ये बेटा मेरी उम्मत का सरदार है। इन अबनी हादा सैयदुन,
मेरा ये बेटा मेरी उम्मत का सरदार है। लअल्लाहु बैना फियतैन अज़ीमतैन मुस्लिमैन, जब मुसलमानों की दो अजीम जमातों में खून की नदियां बह जाएंगी, दो अजीम जमातों में, अज़ीमतैन मुस्लिमैन ही फरमाया रसूलुल्लाह ने, मुसलमानों की दो अजीम जमातों में जब खून की नदियां बह जाएंगी, ये मेरा बेटा जो मेरी उम्मत का सरदार है हसन, ये उनके बीच में सुलह कराएगा। यानी मुसलमानों की दो अजीम जमातें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जमातों को मुसलमान कह रहे हैं, हजरत अली की जमात है और एक हजरत मुआविया की है, दोनों की जमात को मुस्लिमीन मुस्लिमैन कह रहे हैं बुखारी में। और फिर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला उनके वालिस हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला जब शहीद हुए, तो शहादत से कबल लोगों ने पूछा कि क्या आपके बाद हम हसन के हाथ पर बैत करें, तो हजरत अली ने फरमाया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। तो आपकी शहादत के बाद हजरत हसन के हाथ पर लोगों ने बैत कर ली। कैस बिन साद उस वक़्त के चीफ थे, उनके सिपा सालार थे, ये बैत कर ली। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला 6 महीने के बाद अपने नाना के उस कौल को, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को यहाँ गोद में बिठाकर सहाबा इकराम को बताया था, इन अबनी हाजा सैयदुन, ये मेरा बेटा मेरी उम्मत का सरदार है, और जब मुसलमानों की दो अजीम जमातों में खून की नदियाँ बह जाएंगी, उनके बीच में ये सुलह कराएगा। हजरत हसन ने हजरत मुआविया को पैगाम भेजा, हम सुलह के लिए आना चाहते हैं। मुआविया ने खुशामदीद कहा, वहाँ गए, सुलह हुई और ये मामलात ख़त्म हो गए। वापस आए, अपने लोग खिलाफ़ हो गए, जो दावेदार थे कि हम हसन के शिया हैं, हम हुसैन के शिया हैं, उस वक़्त ग्रोह माना था शिया का, शिया पर माना तो ग्रोह था ना कि हम हसन के, उन्होंने कहा कि हम तुझे नहीं मानते, तूने क्यों सुलह की, वो फसादी थे। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने उस वक़्त एक अजीम जुमला कहा और आपने फरमाया, मुआविया मेरे लिए आसमान और ज़मीन में जितनी चीज़ें सबसे बेहतर है। हजरत हसन ने कहा, मुआविया मेरे लिए आसमान और ज़मीन के बीच में जो कुछ है सबसे बेहतर मेरे लिए मुआविया है, जाओ जाम दफ़ा हो जाओ तुम, और भेज दिया उनको। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला देखें, ये साजिश थी यहूद व हनूद की, उस वक़्त के इस्लाम दुश्मनों की ये साजिश थी, और उन्होंने हजरत मुआविया और हजरत अली के बीच में ये सारा अमल किया। किस वजह से इसका इस्लाम को क्या नुकसान हुआ, आप सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लाम आगे बढ़ा है, ज़मीनें फतह हुई हैं, नाफिज हुआ है। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में आधी दुनिया तक इस्लाम को फैला दिया गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के दौर में और भी फतूहात हुई, लेकिन हजरत अली के दौर में एक इंच जमीन फतह नहीं हुई, एक इंच जमीन भी फतह नहीं हुई। क्यों? आपस में लड़ा दिया था, आपस में मुसलमानों को आपस में दस्तों गिरेबान कर दिया था, और हजरत हसन इस बात को भांप चुके थे, देख चुके थे। और फिर हजरत हसन ने देखा कि मुसलमानों की आपस की खून रेजी के अंदर इतना बड़ा नुकसान हो गया कि इस्लाम हजरत उस्मान गनी के दौर तक जहां तक पहुंचा था वहीं तक रह गया, आगे एक इंच जमीन फतह नहीं हो सकी, आपस में दस्तों गिरेबान रहे। हजरत हसन ने यह तारीख साज फैसला करके हजरत मुआविया के हाथ पर जाकर सुलह की, और सुलह करने के बाद वो मुआविया जब मैदान के अंदर आए हैं, अब मुआविया की फतूहात को देखो तो तुम्हारी अकल दंग रह जाएगी। वो मुआविया है जो शाम से निकला और इंतकिया पहुंचा है, वो मुआविया है जो अनकरा पहुंचा है, वो मुआविया है जो कुस्तुनदुनिया पहुंचा है, वो मुआविया है जो अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचा है, वो मुआविया है जिसने कैरवान तक के अंदर एक शहर बरपा कर दिया, एक शहर आबाद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को वहां तक पहुंचाया है, वो मुआविया है जिसने सूडान को फतह किया है, वो मुआविया है
जिसने कैसर और किसरा के परखचे उड़ाए हैं वो मुआविया है। हसन अलैहि सलाम की सुलह के बाद मुआविया दुनिया के उस कोने तक पहुंचा है और जिसके किरदार को इकबाल ने कहा, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, जिसने समंदर में अपने घोड़ों को डाला था वो कोई और नहीं पैगंबर अलैहि सलाम का ये अजीम साहबी मुआविया बिन अबी सुफियान था, ये साहबी था। और जब हसन की सुलह हुई उसके बाद कुफर कम कपाता रहा, फिर कुफर को ये पता चल गया अब मुसलमान आपस में एक हो गए हैं और हमारी खैर नहीं है, और ये जो बहरी जंग लड़ी है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने इस तौर पे लड़ी है और किस तरीके से ये फुतुहात की है आपकी अकल दंग रह जाएगी। सिर्फ इसके पीछे एक वजह है और वो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला की वो दानिशमंदी है कि आपने आके सुलह कर ली और दुनिया के कुफर को पैगाम दिया कि मैं मुआविया के साथ हूं। जब कुफर समझ गया ये आपस में एक हैं, कुफर समझ गया ये आपस में एक हैं, अब कुफर के पास कोई चाल नहीं रही, कोई चाल। आज आप अफ्रीका के अंदर अगर इस्लाम है, आप वाकया सुनते हैं ना, हजरत उकबा बिन नाफे रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला के खालाजाद भाई हैं। तहकीकी कौल ये है कि सहाबी नहीं थे। 10,000 लश्कर देकर सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला ने आपको भेज दिया उकबा बिन नाफे को, लेकिन ताबीन के अंदर मुस्तजाब दावात समझे जाते थे। और एक जगह एक मकाम आया जिस मकाम पर वो एक शहर आबाद करना चाहते थे सूडान के करीब, और वहाँ एक जंगल था और उस जंगल के बारे में बताया गया कि ये दरिंदों का और चीर फाड़ करने वाले जानवरों का, सांपों का, बिच्छुओं का मस्कन है। और वहीं पर सहाबा इकराम ने कहरवान जो है शहर जो है उसको आबाद किया हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला की क़ियादत में, ये ताबी थे, इनकी क़ियादत के अंदर ये शहर वहाँ आबाद किया। तो हज़रत उकबा बिन नाफे ने वहाँ सहाबा इकराम 12 सहाबा आपके साथ थे, इस लश्कर में 12 सहाबा आपके साथ थे, लेकिन अमारत इनको दी हुई थी, तो बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़्यादा मुस्तजाब दावात थे, लिल्लाहियत थी उनके अंदर, बहुत ज़्यादा तकवादार परहेजगार। उकबा बिन नाफे रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, या अल्लाह हम तेरे नबी के दीन को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और इस जंगल के अंदर हम आबाद होने वाले हैं, यहाँ के जितने दरिंदे हैं, जितने चरिंदे हैं, जितने ईज़ा देने वाले, तकलीफ़ देने वाले चीज़ें, अल्लाह इनको इस जंगल से निकलने का हुक्म दे दे, ये हमें कोई तकलीफ़ ना दें ताकि हम यहाँ शहर आबाद कर सकें। उकबा बिन नाफे ने ये दुआ की और 10,000 का लश्कर जो आपके साथ था आमीन कह रहा था। उसके बाद हज़रत उकबा बिन नाफे खड़े हुए और आपने एक आवाज़ लगाई, तेज़ आवाज़, आपने फरमाया, जंगल के दरिंदों, जितने भी दरिंदे जंगल के अंदर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, शेर हैं, मैं उनको हुक्म देता हूं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं और हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, हम रसूलुल्लाह के खादिम और आपके सहाबा हैं, और हम तुमसे ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ शहर आबाद करना चाहते हैं, लिहाजा इस जंगल के अंदर कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई शेर, कोई दरिंदा यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर सहाबा इकराम के 12 सहाबा और 10,000 के लश्कर ने कायनात का अजीब मंजर देखा, और वो अजीब मंजर ये था कि जानवर अपने बच्चों को पीठ पे डाल के अपने मुंह में पकड़ के जंगल को खाली कर रहे थे और सहाबा उनको देख रहे थे, जंगल को खाली कर रहे थे, सहाबा उनको देख रहे हैं। किस आवाज से? इस आवाज से, इस एक आवाज से कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के खादिम हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमारे अंदर मौजूद हैं और हम तुम्हें हुक्म देते हैं इस जंगल को खाली करो, हम यहाँ शहर आबाद कर रहे हैं। आज भी वो शहर मौजूद है और तारीख के अंदर लिखा है, कहते हैं कि 40 साल तक कोई जानवर, कोई बिच्छू, कोई सांप उस
पूरे जंगल के अंदर नहीं पाया गया 40 साल तक, कोई एक जानवर, एक भी इजा देने वाला जानवर नहीं पाया गया। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को फजीलत के एतबार से, जुज़वी फजीलत के एतबार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हजरत मुआविया के हिस्से के अंदर आई हैं। घड़ी नश्ता, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल किसी और के हिस्से में नहीं आई। आखिरी बात बता रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक जो काटा करते थे, तराशा करते थे, उस हस्ती का नाम सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून जो तराशा करते थे, उस हस्ती का नाम सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला है। हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तआला को ये फजीलत हासिल है कि आपने फरमाया, उन नाखूनों को आपने अपने पास रखा, अल्लाह के नबी के बाल मुबारक भी अपने पास रखे। आज तो आपके पास गिलाफ़ काबा का टुकड़ा आ जाए तो बाबे ने उसको जो है ऊपर शीशा चढ़ा के आपसे 10-10, 20-20, 100-100 रुपए वसूल करते हैं, ज़ियारात करें ज़ियारात करें, और वो आपसे इस तरह पैसे कमाते हैं। हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास रसूलुल्लाह के बाल मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून मुबारक, और आपने वसीयत की जब मर जाऊँ तो एक कुर्ता दिया, कहा कि मुझे इस कुर्ते के अंदर कफनाना। पूछा गया ये कुर्ता किसका है, आपने फरमाया ये मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक है, जब मैं मर जाऊँ मुझे इसमें कफनाना, और मेरे सीने के ऊपर, मेरे सीने के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाखून मुबारक हैं उनको मेरे सीने पर डाल देना, और आप अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक हैं उनको अपनी आँखों की पलकों पर रखवा दिया था कि यहाँ रख देना, हुक्म दे दिया। और जिस चारपाई पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया, वही चारपाई हज़रत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसी चारपाई के ऊपर गुस्ल दिया गया। ये कुछ फजीलतें ऐसी हैं कि जो मुआविया के अलावा और किसी के हिस्से में नहीं आई है। रसूलुल्लाह का कुर्ता मुबारक, कफन बना है मुआविया का, रसूलुल्लाह के नाखून आ हज़रत मुआविया के सीने की जीनत बने हैं, आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक आपकी आँखों की जीनत बने हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चारपाई जिस पे आपको गुस्ल दिया गया, वही चारपाई पे हज़रत मुआविया को गुस्ल दिया गया। ये चार चीज़ें ऐसी हैं कि मुआविया में, इन चार चीज़ों में मुआविया में कोई भी बराबर नहीं है। ये उनकी जुज़वी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने वाला, सहाबा किराम की इत्तबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुँचाने वाला बनाए। मेरी आपकी और जुमला मुस्लिमीन की जितनी भी जो परेशानियाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हल फरमाए, जितनी रुकावटें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दूर फरमाए, मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।